सब्सक्राइब करें न्यू कृति बुटीक चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें जिससे आप हमारी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन पा सकें। नमस्कार दोस्तों, न्यू कृति बुटीक में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज फिर से मैं आपके लिए गले का एक बहुत ही सुंदर सा डिजाइन लेकर के आया हूँ, जो कि हम लेस के साथ और यहाँ पे डोरी के साथ तैयार करेंगे। ये हमारे पास डोरी होगी और बहुत ही प्यारा सा हमने यहाँ पे डिजाइन तैयार करना है और ये लेस होगी। तो किस तरीके से हम कटिंग करते हैं और कैसे हम इसको डेकोरेट करते हुए तैयार करते हैं, आज इस वीडियो में ये जानेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों, हमें यहाँ पे गले की कटिंग करनी है। गला हम बनाएंगे बोट नेक। तो हमने यहाँ पे ये पेपर पेस्टिंग ली हुई है जिसमें से हम गले की कटिंग करते हैं। यहाँ पे जो हमने पेपर पेस्टिंग ली हुई है, इसकी चौड़ाई तकरीबन हमारी 13 इंच की होगी और गले की जो ब्रॉड लेंथ रखनी है हमने रखनी है 9 इंच। तो हम यहाँ पे 4.5 इंच पे मार्किंग कर लेंगे। उसके बाद जो डीप लेंथ रखेंगे वो रखेंगे हम यहाँ पे 3.5 इंच। तो 3.5 इंच पे निशान लगाएंगे और यहाँ पे बोट नेक वाला इस तरीके से निशान अपना कंप्लीट कर लेते हैं। इसी निशान के ऊपर हम यहाँ पे कटिंग कर लेंगे। अब हम यहाँ पे 1/2 से 1.25 इंच मार्जिन छोड़ते हुए बार की साइड कटिंग करेंगे। ये तो हो गया हमारा सिंपल बोट नेक जो कि हमें यहाँ पे तैयार करना है। अब हमें नीचे का डिजाइन कटिंग करना है, वो भी हम पेपर पेस्टिंग में से कटिंग करेंगे। यहाँ पे दोस्तों फिर से हमने पेपर पेस्टिंग लेनी है जिसकी चौड़ाई भी हमारी 13 इंच की होगी, लेकिन इस बार जो लंबाई रखेंगे वो 14 से 14.5 इंच की होनी चाहिए हमारी। अब हम यहाँ पे जो हमने बोट नेक कटिंग किया है ये रखते हैं, जैसे हमने कटिंग किया है सेम उसी तरीके से रखते हैं और यहाँ पे मार्किंग कर लेते हैं। अब इस गले को हम अलग कर लेंगे और यहाँ पे मैं आपको फ्रंट के ऊपर ही रख के बताऊंगा किस तरीके से हमें बनाना है। ब्रॉड लेंथ जैसे हमने 4.5 रखी है यहाँ पे, ये सिर्फ थोड़ा आइडिया के लिए है, अभी हमने यहाँ पे कटिंग नहीं करनी है, सिर्फ एक आइडिया के लिए हमने निशान लगाया है। और जो डीप लेंथ यहाँ पे जो रखेंगे तकरीबन हमारी 12 इंच तक आएगी, 12 इंच पे मार्किंग करेंगे और यहाँ से करेंगे इस पॉइंट से 2 इंच पे। तो इस निशान को ऐसे सीधा कर लेते हैं और जो हमारा ये ब्रॉड लेंथ वाला निशान आता है इससे बाहर की साइड हम 1 इंच लेंगे ऐसे। अब इस निशान को हमें इस निशान से जोड़ना है और शेप देंगे हम ये वाली, इस तरीके की शेप डालेंगे। अंदर वाले निशान पे हमें कटिंग नहीं करनी है, हमें इस निशान पे करनी है बाहर वाले पे। तो ये हमारा जो तैयार डिजाइनर गला आएगा ये वाला आएगा और ऊपर का आएगा बोट नेक तैयार। तो हम इन निशानों पे भी कटिंग कर लेते हैं। यहाँ पे दोस्तों अगर आपको इसकी लंबाई बढ़ानी भी हो तो आप बढ़ा सकते हो, वो आपकी इच्छा है। अब जैसे हमने ये गला कटिंग कर लिया है तो यहाँ पे भी हम इसको अच्छे से सेट करते हुए बाहर की साइड 1.25 इंच का निशान लगाते हैं। इस तरीके से और इस निशान में भी कटिंग कर लेते हैं। इस तरीके से दोस्तों हमने यहाँ पे गले दोनों कटिंग कर लिए हैं, ये हमारा बाहर वाला गला हो जाएगा और इसी के बीच में हमें डोरी का काम करना है जो कि ये डोरी है और यहाँ पे लेस का काम करेंगे। लेस का काम कैसे करते हैं, डोरी का काम कैसे करते हैं ये भी हम आज इस वीडियो में जानेंगे। और ऊपर हमारा यहाँ पे सिंपल सा नेक आएगा बोट नेक। तो दोस्तों सबसे पहले अब हमें क्या करना होगा, जो ये वाला गला है ये भी हमें अस्तर के ऊपर पेस्ट करना है और जो ये वाला गला है ये भी हमें अस्तर के ऊपर पेस्ट करना होता है। तो दोनों को पेस्ट कर लेते हैं इस तरीके से। दोस्तों हमने गला अपना पेस्ट कर लिया है, बाहर वाला गला भी और बोट नेक भी जो कि हमें तैयार रखना है। अब दोस्तों डिजाइनिंग के लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ पे जैसे डोरी मैंने बताई थी, डोरी का डिजाइन बनाना है तो हमें जो बीच वाला पीस लिया था हमने, ये वाला, इसके बीच वाला जो पीस हमने कटिंग किया था ये वाला, इससे हमें 1-1 इंच चारों साइड की साइड, चारों साइड ज्यादा फैब्रिक लेना है। एक हमने अस्तर लेना है, एक हमने स्पंज लेनी है फोम, और एक हमने मेन फैब्रिक लेना है।
तो तीनों पीसों को इससे एक एक इंच ज्यादा रखते हुए कटिंग कर लेते हैं। यहां पे दोस्तों जो कटिंग करते हैं मैं आपको समझा देता हूं। इस तरीके से हमने एक एक इंच दोनों साइड चारों साइड रखा है एक्स्ट्रा कपड़ा। ये हमारा नीचे की साइड आ जाता है अस्तर। इसके बाद हम रखेंगे फोम। इस तरीके से अगर हम बिना फोम के डोरी लगाते हैं तो डोरी बिल्कुल सीधी नहीं लगेगी। डोरी के साथ में ही हम फोम के साथ ही हम डोरी अच्छी तरीके से अटैच कर पाएंगे, इसलिए फोम लगानी जरूरी होती है। तीसरा मेन फैब्रिक आएगा हमारा ऊपर की साइड ऐसे, इस तरीके से। इसको हम प्रेस से अच्छे से ऐसे सेट कर लेते हैं। अब दोस्तों रख के देखते हैं तो हमारा ये बिल्कुल परफेक्ट है। तीनों चीज हमारी ऐसे आ जाती हैं, नीचे अस्तर, बीच में फोम और ऊपर मेन फैब्रिक। अब हम यहाँ पे बाहर की साइड आधा आधा इंच चौड़ाई वाली सिलाई लगा लेते हैं। आधा इंच का गैप रखना है और चारों साइड सिलाई लगा लेनी है। इस तरीके से दोस्तों चारों साइड हमने सिलाई अपनी कंप्लीट कर ली है। नीचे का हिस्सा हमारा ऐसे नजर आएगा और सीधी साइड हमारी ऐसे नजर आएगी। अब हमें यहाँ पे ये पीस रखना है ऐसे और यहाँ पे एक निशान लगा लेते हैं जिससे कि हमें आइडिया हो जाएगा कि हमारी चौड़ाई कहां तक है और लंबाई कहां तक है डिजाइनिंग की। इस तरीके से हमने यहां पे निशान कंप्लीट कर लेना है ऐसे। अब हमें यहाँ पे काम करना है। देखो हमने तीन पीस तैयार कर लिए हैं। ये हमने डिजाइनिंग के लिए किया है, ये हमारा बड़ा गला हो गया है और ये हमारा तैयार नेक आएगा ऊपर की साइड। तो तीनों पीस जैसे हमने यहाँ पे तैयार कर लिए हैं तो इनको बनाने का आप तरीका सीखेंगे कैसे कैसे हम इनको डेकोरेट करते हुए तैयार करते हैं। स्टिचिंग में दोस्तों सबसे पहले हम ये वाला गला तैयार करेंगे। जैसे नॉर्मल गला तैयार किया जाता है सेम तरीका वही होगा। सबसे पहले बाहर वाला जो कपड़ा होगा उसको फोल्ड करेंगे ऐसे। इसी तरीके से आगे तक फोल्ड कर लेंगे। बाहर वाला कपड़ा हमने फोल्ड कर लिया है। अब हम फ्रंट रखेंगे सीधी साइड ऊपर की साइड ऐसे। और यहाँ पे जो हमने ये गला बाहर की साइड वाला कटिंग किया हुआ था ये हमें ऐसे रखना है। और सबसे पहले सेंटर पॉइंट बनाते हुए सेंटर की एक सिलाई लगा लेते हैं। अब हम पेपर पेस्टिंग जो होती है इसके साथ साथ सिलाई लगाएंगे। अगर आप पेपर पेस्टिंग में नहीं बनाना चाहते तो आप इसमें बुकरम भी लगा सकते हैं, वो आपकी इच्छा है। तरीके से हमने यहाँ पे सिलाई अपनी कंप्लीट कर ली है। अब हम एक पैर का मार्जिन रखते हुए कटिंग कर लेंगे। जहां पे नोक आती है ऐसे कट लगाते हैं सिलाई के नजदीक तक और हल्के हल्के कट यहाँ पे ऐसे लगा लेंगे। अब दोस्तों हम यहाँ पे गले को अंदर की साइड फोल्ड कर लेते हैं ऐसे पलट लेते हैं और प्रेस से अच्छे से सेट कर लेंगे।
यहाँ पे दोस्तों प्रेस से हमने अच्छे से सेट कर लिया है, तो गले की शेप हमारी इस तरीके से आ जाएगी। अब हमें यहाँ पे लेस लगानी है, ये वाली जो मैंने मोतियों वाली आपको लेस दिखाई थी शुरुआत में ही, ये हम अटैच करते हैं। इसको अटैच करने के लिए हम एक सिरा कोई सा भी लेंगे एक साइड से, और इस तरीके से नीचे की साइड दबाएंगे ऐसे। इस तरीके से हम पूरे गले में ये लेस अटैच करेंगे। यहाँ पे हम इस तरीके से घुमा लेंगे इसको। जहाँ पे नोक आती है वहाँ पे हमें इस तरीके से कट लगाना होता है, तभी हमारी लेस यहाँ पे सेट आएगी कोने पे। ये हम नीचे की साइड अंदर की साइड लगाते हैं कट ऐसे। अब हम सीधी साइड देखेंगे तो यहाँ पे हमारी बिल्कुल एक्यूरेट सही बैठ जाएगी लेस ऐसे। तो यहाँ पे लेस भी हमने अपनी कंप्लीट कर ली है। अब हमें मेन डिजाइन तैयार करना है, जो अंदर वाला मैंने आपको डिजाइन दिखाया था। यहाँ पे दोस्तों देखो, आप समझने वाली बात क्या होती है, जैसे हमने यहाँ तक का डिजाइन कंप्लीट कर लिया है, तो बीच वाला जो डिजाइन हम कंप्लीट करते हैं उसके लिए हमने ये पूरा पैटर्न पहले से ही रेडी किया हुआ है, जो कि हमने शुरुआत में दिखाया था। मेन चीज क्या होती है, यहाँ पे हमें डोरी का काम करना है। डोरी का काम कैसे करेंगे हम, आप ये देखना। और ये हमें फॉर्म क्यों लगानी होती है, अगर हमारे पास सिंगल फैब्रिक होता है या हम अस्तर भी लगा लेते हैं तब भी हमारी डोरी अच्छी तरीके से सेट नहीं आएगी। जब तक हम फोम की थोड़ी मोटाई नहीं बढ़ाएंगे, फोम लगाते ही हमारी हल्की सी कपड़े की मोटाई बन जाती है, तो यहाँ पे डोरी हमारी फिनिशिंग से लगेगी, ये वाली रेड वाली। तो यहाँ पे इस पीस को तो हम अलग कर लेते हैं, और यहाँ पे ये वाला जो पीस होगा इसमें हमें डोरी का काम करना है। और एक हम यहाँ पे निशान लगा लेते हैं सेंटर का, जिससे कि हमें आइडिया हो जाता है कि गले की डीप लेंथ हमारी कहाँ तक होगी। तो यहाँ पे सेंटर हमारा ये हो जाता है, और डीप लेंथ का यहाँ पे 3 इंच पे निशान लगा लेते हैं, और ब्रॉड लेंथ यहाँ पे दोनों साइड में रखेंगे 3.5 इधर रख लेते हैं, 3.5 इधर। सिर्फ ये हल्का सा आइडिया के लिए लगाया हमने निशान, और इसीलिए इसको छोटा लगाया है। पूरा ब्रॉड हमारा तैयार यहाँ तक आएगा, लेकिन हमने थोड़ा छोटा लगाया है। अब नीचे की साइड जितनी हमारी ये ब्रॉड लेंथ होती है, जैसे 4 इंच तक हमारा निशान लगा हुआ है, तो हम यहाँ पे भी इस तरीके से एक 4 इंच पे निशान लगाएंगे, और इस निशान को ऐसे क्रॉस करेंगे। एक जैसे हमने ये निशान लगाया है, दूसरा निशान हम हल्का गैप रखते हुए ऐसे लगाएंगे। यहाँ पे गैप हमारा बराबर होना चाहिए, आप 1 इंच का भी रख सकते हैं, 1.25 का भी रख सकते हैं। और इसी तरीके से हम यहाँ पे ये निशान अपने कंप्लीट करते हैं। आप ये निशान स्केल से भी लगा सकते हैं, मैं यहाँ पे इंच टेप से लगा रहा हूं। तो ये बराबर बराबर गैप रखते हुए हम निशान लगाते हैं ऐसे पूरे पीस में। पूरे पीस में दोस्तों हमने यहाँ पे 1 से 1.25 इंच का गैप रखते हुए निशान अपने कंप्लीट कर लिए हैं। अब हमें यहाँ पे डोरी का काम करना है, तो डोरी के काम के लिए हम एक एक निशान पे ऐसे रखेंगे यहाँ पे इस तरीके से डोरी को।
और जो हमारा ये होता है फुट होता है, इसके सेंटर में हमारी बिल्कुल ऐसे आनी चाहिए डोरी। ऐसे रखते हुए हम सिलाई लगाएंगे। अब हम दूसरी जो निशान है दूसरे निशान पे रखेंगे सेम इसी तरीके से। अब हम तीसरे निशान पे रखेंगे। यहाँ पे मैं तीन चार निशानों पे रखते हुए आपको सिलाई लगा के दिखाऊंगा। दोस्तों मैंने चार डोरी आपको लगा के दिखाई है, बहुत ही प्यारा सा हमारा यहाँ तक का डिजाइन ये कंप्लीट हुआ है। अब मैं थोड़ा आपको समझाना चाहूंगा। देखो अगर हम सिंगल कपड़े के ऊपर डोरी लगाते तो ये फिसलता रहता है, ऐसे ऐसे कपड़ा जाता रहता, लेकिन हल्की हमने स्पंज लगाई है जो फोम लगाई है। फोम लगाने से क्या होता है डोरी नीचे की साइड ऐसे दब जाती है, जैसे कि ऐसे रखेंगे तो यहाँ पे दब जाएगी, तो डोरी जब दब जाएगी तो गहराई आ जाएगी यहाँ पे, तो डोरी फिर इधर उधर नहीं हिलेगी, इसलिए हमें स्पंज लगाते हुए यहाँ पे डिजाइनिंग कंप्लीट करना होता है। दूसरी चीज एक ये होगी हमारी, यहाँ पे अगर हम स्पंज लगाते हैं नीचे फोम लगाते हैं तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे उभरापन आएगा, मतलब मोटाई ज्यादा आ जाएगी, यहाँ पे गहराई आएगी फिर मोटाई आएगी, तो इसकी भी ग्रेस कुछ अलग ही आती है, डिफरेंट सी चीज बन जाती है हमारी। तो सेम इसी तरीके से हम पूरे पीस में इस तरीके की डोरी कवर करते हैं। इस तरीके से दोस्तों पूरे पीस में हमने हर निशान के ऊपर डोरी अपनी कंप्लीट कर ली है। अब हम यहाँ पे सिंगल इस तरीके से भी रख सकते हैं, अगर हम क्रॉस बनाना चाहें तो यहाँ पे क्रॉस भी बना सकते हैं। मैं यहाँ पे सिंगल इसी तरीके से कंप्लीट करके आपको बताऊंगा, और आपने ये भी बताना है कि आपको ये सिंगल अच्छा लग रहा है या डबल, कॉमेंट में आपने ये जरूर बताना है कि सिंगल डोरी वाला अच्छा लगता है, अगर हम यहाँ पे डबल डोरी लगाते इस तरीके से क्रॉस बनाते तो तब ज्यादा अच्छा लगता, ये आपने कमेंट करके हमें बताना है। अब हमें जैसे ये पैच हमने एक तरीके से कंप्लीट कर लिया है, अब हमें दोबारा से यहाँ पे निशान लगाना होगा जो हमने बीच वाला पीस यहाँ पे निकाला हुआ था, ये रखते हुए इस तरीके से रखेंगे यहाँ पे और फिर से निशान लगाएंगे। इस बार जो निशान होगा बड़े ही ध्यान से लगाने हैं, कहीं पे भी कोई फर्क नहीं आना चाहिए, क्योंकि यही हमारा तैयार पैच आएगा। इस तरीके से हम निशान कंप्लीट कर लेंगे, फिर मैं आपको लगाने का इसको अटैच करने का तरीका बताऊंगा। निशान दोस्तों हमने यहाँ पे चारों साइड लगा लिए हैं इस तरीके से, तीनों साइड। अब हमें ये पैच अटैच करना है फ्रंट में, तो यहाँ पे इस तरीके से नीचे की साइड मिलाएंगे ऐसे, क्योंकि यहाँ पे भी हमें ध्यान रखना होता है कि हम किस तरीके से किस एंगल में अटैच कर रहे हैं, फर्क नहीं आना चाहिए कहीं पे भी। तो यहाँ पे हम इस तरीके से रख के इसको ऐसे अटैच करेंगे, निशान के साथ साथ में ऐसे हमारी सिलाई आनी चाहिए। एक साइड में हमने यहाँ पे ये अटैच कर लिया है, तो सेम इसी तरीके से इस साइड भी पूरा हम कंप्लीट कर लेते हैं।
इस तरीके से दोस्तों हमने दोनों साइड से यहाँ पे अटैच कर दिया है पैच, तो यहाँ पे पैच हमारा फिक्स हो जाता है। रोम साइड आपको यहाँ पे ऐसे नजर आएगी और जो सीधी साइड है ऐसे नजर आएगी। अब हमें यहाँ पे ऊपर की साइड जो बोट नेक हमने कटिंग किया था वो तैयार करना है, तो बोट नेक को हम यहाँ पे ऐसे रखते हैं और सेंटर पॉइंट बना लेते हैं। इस तरीके से सेंटर पॉइंट बना लेंगे और जैसे नॉर्मल गला तैयार किया जाता है सेम उसी तरीके से इस गले को पलट लेते हैं। यहाँ पे पेपर पेस्टिंग के साथ साथ लगाएंगे सिलाई। अब हम एक पैर का मार्जिन रखेंगे और यहाँ पे इस तरीके से कटिंग कर लेंगे। जो गोलाई होती है गोलाई में हम हल्के हल्के ऐसे कट लगाते हैं। अब हम इस गले को अंदर की साइड जैसे सभी गले फोल्ड किए जाते हैं तो ऐसे फोल्ड कर लेते हैं और प्रेस से अच्छे से सेट कर लेते हैं। इस तरीके से दोस्तों हमने गला पलटते हुए ऊपर की साइड भी लेस अपनी कंप्लीट कर ली है और सेंटर में एक सिंगल बटन लगाया है। बहुत ही प्यारा सा हमने यहाँ पे डिजाइन तैयार करा है और कुल हमने यहाँ पे 30 रुपए का खर्च किया है इसमें टोटल, लेस वगैरह में टोटल जितना भी हमने जो डोरी लगाई है और लेस लगाई है टोटल हमने 30 रुपीज का खर्च करते हुए बहुत ही प्यारा सा सुंदर सा ये नेक डिजाइन तैयार किया है। तो दोस्तों आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज कमेंट करके हमें जरूर बताएं और इस वीडियो को शेयर व लाइक जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।